हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड, दोनों बोर्डों का सिलेबस है वो आपका बिल्कुल समान है। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की। तो बेटे, क्लास 11 एजी है आपका और क्लास 11 एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे हैं इस समय, वो पढ़ रहे हैं आपकी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में यूनिट 3 चल रही है और यूनिट 3 में जो आज का टॉपिक है वो है हरी खाद। तो बेटे, हरी खाद से रिलेटेड जो भी पॉइंट है, जो भी क्वेश्चन है, उनकी सारी कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो बेटे, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल नए हैं और अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स, मैथ, बॉटनी और आपका एग्रोनॉमी, चारों सब्जेक्ट की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियोज मिलेंगे, पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। तो आप मेरे नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए। तो बेटे, हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखो बेटा, क्लास 11 एजी है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है, यूनिट आपकी 3 है। अब हम इसमें बात करेंगे, सबसे जो मेन हेडिंग है वो है हरी खाद। तो बेटे समझिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हरी खाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर हरी खाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको पता है जो सॉइल है, सॉइल का मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो उर्वरता क्षमता है वो उर्वरता क्षमता की क्या हो गई, कमी हो गई। जब उर्वरता क्षमता की मिट्टी के अंदर कमी हो जाएगी तो आप किसी भी फसल को पैदावार जो है वो अच्छे से, उपज जो है वो अच्छे से नहीं ले पाओगे। तो मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए, उर्वरता दर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हरी खाद का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, कुछ हरी खाद की फसलें हैं, उन फसलों को हम उगाएंगे और उगाने के बाद जब वो फसलें बड़ी हो जाएंगी तो हम उन्हें अपने खेतों में ही जोत देंगे, काट देंगे। जोत करने के बाद उसे मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने के बाद क्या होगा, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरक क्षमता जिसे हम बोलते हैं, उर्वरता दर बोलते हैं, वो क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसी के लिए हम तो हरी खाद का तो इस्तेमाल करते हैं। बेटे समझिए, देखो हेडिंग है हमारी हरी खाद। हरी खाद क्या है, ऐसी फसलें जिन्हें मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए, मृदा की, मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के उद्देश्य से हरे रूप में जोतकर, देखिए हरे रूप में जोतकर खेत में दबा दी जाती है। जोत के क्या है, खेत में दबा दोगे, उसी मिट्टी में आपको मिला देना है, दबा दोगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हरी खाद कहते हैं। तो हरी खाद क्या होती है, अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। हरी खाद जब भी आएगा आप समझ जाओगे। हरी खाद क्या होगी भाई, आपको पता है हमारा खेत होगा, खेत में हम जो फसल उगाते हैं तो फसल जो है वो उत्पादक दर बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है, कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वर क्षमता है, वो उर्वरता क्षमता घट चुकी है। उसी उर्वरता के लिए, उसी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम अपने खेतों में बेटा हरी खाद बोते हैं। हरी खाद वाली जो फसलें हैं वो फसलें बोते हैं, फिर हम उसे खड़े, जो हरी फसलें होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उसे हम जोत लेते हैं उसी खेत में और वो मिट्टी में दबा देते हैं। इससे क्या होता है, वो हरी खाद के रूप में मिट्टी में मिल जाती है, जिससे जो उर्वरता है वो आपकी बढ़ जाती है, यही हरी खाद है ना। आगे समझिए, आगे आपको ये समझना है कि हरी खाद वाली आखिर फसलें कौन कौन सी हैं, हरी खाद की कौन सी मुख्य फसलें हैं जो हम अपने खेत के अंदर बोएं और उसे फिर हम काट के, उसे फिर जोत के खेत में और वो मिट्टी में मिला दें, वो आपको फसलें भी तो पता होनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल हम उन फसलों पे भी चर्चा करेंगे, कौन कौन सी फसलें हैं। देखो पहला, फर्स्ट पॉइंट, खरीफ ऋतु में उगने वाली फसलें, जो खरीफ ऋतु में उगने वाली जो फसलें हैं जिनसे हम हरी खाद प्राप्त करते हैं वो फसलें कौन कौन सी हैं। देखो सनई की फसल है, ढेचा है, उर्द है, मूंग है, लोबिया है, ETC यानी इत्यादि और भी हैं। जो मेन है वो आपने समझ ली, क्या क्या समझा, सनई है, ढेचा है, उर्द है, मूंग है, लोबिया है इत्यादि। ये आप हरी खाद के रूप में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, आप ये आपके लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं, इनका आप सेवन कर सकते हैं। आप अपने खेत में इन्हें उगाइए, उगाने पर जब ये बड़े हो जाए तो आप हैरो से इसे खान दीजिए, काट दीजिए, जुताई कर दीजिए और खेत में मिला दीजिए
उससे जो उर्वरता है वो आपकी बढ़ेगी मिट्टी की। चलिए, ये तो आपने खरीफ की ऋतु में उगने वाली फसलें समझ ली। अब समझिए आप रवि ऋतु में उगने वाली फसलें। तो रवि ऋतु में उगने वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है, देखो, बरसीम है, मेथी है, मटर है, खेसारी है और मसूर है, ईटीसी यानी इत्यादि, ईटीसी और भी है। तो जो मेन है आपने समझी, खरीफ ऋतु में उगने वाली फसलें बरसीम, मेथी, मटर, खेसारी, मसूर इत्यादि। इन फसलों को भी आप यूज करोगे किसमें, हरी खाद के रूप में। कैसे, मान लो ये मटर है, अब मान लो ये मटर के पौधे जब बड़े हो जाएंगे, ये आपको क्रॉप है, मटर के पौधे बड़े हो जाए तो इसे आपको इस प्रकार से खेत में अपने जोत दीजिए। जब इसे जोत दोगे तो यही क्या है, उसी खेत के अंदर जो मिट्टी है उस मिट्टी में मिल जाएगी। जब ये मिट्टी में मिल जाएगी तो सड़ गल के आराम से इसकी क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी। जब ये खाद खेत में पहुंचेगी, खेत में तो है ही, तो ये किसके रूप में काम करेगी, ये उर्वरता जो है खेत की, मिट्टी की, वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देगी। इससे आपकी जो फसल है वो फसल की उत्पादन जो दर है वो बढ़ेगी। तो कुल मिला के हरी खाद क्या है, खरीफ की ऋतु में उगने वाली फसलें और रबी ऋतु में उगने वाली हरी फसलें यानी हरी खाद वाली फसलें, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अभी तक बेटा आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट अपने घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो बेटे अगली हेडिंग समझिए, अगली हेडिंग है हरी खाद वाली फसलों के लाभ। तो बेटा आपको पता है कि आखिर हरी खाद वाले फसलों के लाभ क्या है। देखो आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि आखिर हरी खाद वाली फसलों से लाभ ना होता तो हम हरी खाद वाली फसलों का इस्तेमाल क्यों करें। तो लाभ तो है, तो कौन कौन से लाभ हैं वो भी आपके कॉमन सेंस बेस पे आपको पता होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन तो आप रट्टा तो मार नहीं सकते। तो हरी खाद का आपको लाभ क्या दिखाई दे रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। समझिए मेरे साथ, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जैव पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, जो जैव पदार्थ हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है, किससे, हरी खाद के इस्तेमाल करने से। सेकंड पॉइंट, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कैसे होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, आपको पता है, क्या है आपको पता भाई, मटर की क्रॉप है, जितनी मटर की जितनी भी दलहनी वाली फसलें होती हैं, दलहनी वाली, मक्का हुई, मूंग मटर, सही है, जितनी दलहने वाली क्रॉप है, आपको पता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। आपने क्या नाम पढ़ा है, राइजोबियम, क्या पढ़ा, राइजोबियम। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम होता है, उसका काम क्या होता है भाई, जो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का क्या करता है वो, उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेता है, क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। तो यह बात आपको पता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि भाई हरी खाद जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है, इससे हमारी फसल को लाभ पहुंचता है। नेक्स्ट, भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाना। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, भूमि के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या की भी वृद्धि हो जाती है, किससे वृद्धि हो जाती है, हरी खाद लगाने से। आगे समझिए, मृदा कटाव से बचाव और उर्वरता में वृद्धि होती। तो बिल्कुल सही, अगर आप इन हरी खादों का इस्तेमाल करोगे, हरी फसलों का इस्तेमाल करोगे, हरी फसल आपने काफी अपने बंजर खेत में या किसी भी खेत के अंदर बो दी है, तो आपको पता है एक प्रॉफिट क्या है, सबसे पहला प्रॉफिट, एक तो आपके खेत की मिट्टी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, कि उसमें क्या है, हरी फसलें हैं लगी हुई, हरी खाद वाली क्या है, फसलें हैं। तो आप चाहे तो नहरों का के माध्यम से सिंचाई करना, चाहे ऊपर से वर्षा हो, वर्षा होने पे तो भी मिट्टी नहीं कटेगी, और बिल्कुल खेत समतल होगा तो आपको पता है मिट्टी तो कटनी है। इससे मृदा अपरदन को नहीं रोका जा सकता, इसलिए आप अगर इन क्रॉप्स को का इस्तेमाल करते हो तो आप मृदा अपरदन से भी निजात पा जाओगे, मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। सेकंड, उर्वरता बढ़ेगी। काय की उर्वरता बढ़ेगी, उर्वरता किसकी बढ़ती है, मिट्टी की। तो आपको ध्यान रखना है, उर्वरता किसकी बढ़ेगी, मिट्टी की। अगर आप हरी खाद का इस्तेमाल करोगे तो बेटा मिट्टी की यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, वो भी बढ़ेगी। तो आपने लाभ समझे, समझिए एक बार मेरे साथ, हरी खाद वाली फसलों के लाभ क्या है। फर्स्ट पॉइंट, जैव पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। सेकंड है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बहुत सारी जो फसल है, जैसे लेगुमिनेसी जो क्रॉप होती है, जो आपने बॉटनी में पढ़ी है लेगुमिनेसी क्रॉप, दलहनी फसलें, वो दलहनी फसलों में क्या होता है भाई, जो उनकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर लेता है। इससे क्या होता है,
आपको पता है क्या होगा, मृदा की उर्वरता जो क्षमता है वो क्या है, बढ़ेगी, उर्वरता बढ़ेगी। नेक्स्ट है भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा कटाव से बचाव और उर्वरता में भी वृद्धि होगी। तो ये तो हो गए हरी खाद वाली फसलों से के लाभ, इसके लाभ क्या है। तो बेटे चलते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट हमारी हेडिंग इसमें क्या है। चलिए बेटे अगली हेडिंग समझिए, हरी खाद देने की विधि। हरी खाद देने की विधि, देखो बेटे कोई ना कोई तो हरी खाद देने की विधि होगी। ऐसा नहीं है कि आप अजर्रा किसी भी काम को करते हो कि हरी खाद देने के मैथ की कोई विधि ना हो। तो हरी खाद देने की विधि है, उसके मेथड्स हैं, उन मेथड्स को या उन विधि को आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है पता लगी हरी खाद की जो फसल है, उगने वाली जो फसल है, उसको 2 महीने का समय लग रहा है और आपके पास आप ऐसे समय का चुनाव कर लेते हो कि भाई जैसे आपने मान लो धान बोना है, आपकी ढाई कुर धान की जो रोपाई करनी है वो करनी है जून और जुलाई में, और आप अपनी हरी खाद के जो फसल का जो यूज कर रहे हो वो कर रहे हो, आप बो रहे हो अपने खेत में कितना, मई के बिल्कुल लास्ट में या फिर जून के पहले सप्ते में, तो आपके पास उचित समय होगा नहीं। 15-20 दिन में फसल तो तैयार होगी नहीं हरी खाद वाली, जो आप काट के और फिर मिट्टी में दबा दोगे, क्योंकि आपको अगली फसल लगानी है, क्या धान की रोपाई करनी है। तो कोई ना कोई मेथड है इसके, इसके अपने रूल्स हैं, उन रूलों को फॉलो करना पड़ेगा, उन रूलों को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले उस समय का चुनाव करना होगा। फर्स्ट पॉइंट समझिए, देखो हरी खाद की फसलों को ऐसे समय पर उगाना चाहिए जिसमें उसे बढ़वार के लिए, किसकी, पौधे की वृद्धि के लिए उचित समय मिले, बढ़वार के लिए और उसे दबाने के लिए, किसमें, खेत में दबाने के लिए। और खेत में जब दबाओगे तो भाई सड़ाना ही तो हरी खाद को, सड़ाना पड़ेगा, सड़ाने के लिए समय मिल जाए और फसल बुवाई भी समय से हो जाए, जो अगली फसल है उसकी बुवाई भी समय से हो जाए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हरी खाद का के लिए हम कौन सा समय चुनेंगे, कहीं ऐसा गलत समय मत चुन लेना, कहीं टाइम होना और अगली फसल भी आपकी लेट हो जाए, तो ना ये गलती नहीं करनी। हरी खाद की फसल को ऐसे समय पर आपको बोना है, कैसे समय पर बोना है, जिससे इतने टाइम पहले बोना है जिससे उस फसल की जो हरी खाद बो रहे हो उसकी बढ़वार पूरी हो जाए और बढ़वार के साथ साथ दबाने के लिए, उसे खेत में दबाने के लिए और सड़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। समय मिल जाएगा पर्याप्त तो जो अगली फसल आप बोगे वो भी आपकी फसल जो है वो समय से बो जाएगी। इस बात को आपका विशेष ध्यान रखना आपको पड़ेगा। अगला समझिए, फसल को ऐसे समय पर जोतकर दबाना चाहिए जब उस पर फूल आने वाले हों। क्या समझा भाई, फसल को आपको उस समय खेत के अंदर दबाने होगा, उस समय हरी खाद को दबाना होगा जब फसल के पे क्या आता हो, फूल बनता हो, फूल आता हो, फूल वाला मौसम हो। नेक्स्ट पॉइंट, फसल को ठीक प्रकार काटकर मिट्टी में दबा देना चाहिए। फसल को ठीक प्रकार काटने का मतलब यह है कि भाई महीन महीन आपको काटना है, 3 से 4 जुताई आपको लगातार करनी है, पूर्ण रूप से मिट्टी में मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप गए आपकी फसल क्रॉप जो है वो मिट्टी में लगी हुई है, अपने खेत में लगी हुई है और सिंगल एक आपने जुताई कर दी, पता लगी बड़े 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 उसके टुकड़े हो गए, तो भाई बड़े बड़े टुकड़े तो सड़ाने में देरी होगी, सड़ नहीं पाएंगे अच्छे से, उसकी खाद नहीं बन पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि भाई फसल को ठीक प्रकार से काटोगे, सही है, जितना आप हो सके कुट्टी के आकार का, जो जानवरों को, जो पशुओं को हम कुट्टी देते हैं उसके आकार का आपको महीन महीन करना, जितना हो सके उतना महीन कर लेना और उसे मिट्टी में दबा देना, वो बहुत जल्दी सड़ जाएगा और खाद जो है वो उर्वरता जो आपकी शक्ति है, उर्वरता है मिट्टी की, वो बढ़ जाएगी। आगे समझिए, 3 से 6 सप्ताह में हरी खाद की फसल सड़कर गल जाती है। तो टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना है, कितना, 3 से 6 सप्ताह का समय लगता है किसे, हरी खाद को सड़ाने में अपने खेत के अंदर, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, शीघ्र गलाने सड़ाने के लिए, मान लो आपके पास उचित समय नहीं है, 3 से 4 सप्ताह या 3 से 6 सप्ताह का समय नहीं है आपके पास, अगली फसल आप लगा रहे हो तो उसमें देरी हो रही है, तो उसका एक सफल इलाज है, आप क्या करोगे कि जल्दी से वो हरी खाद है अपने खेत के अंदर सड़ जाए, तो सड़ाने का एक उपाय है, समझो। शीघ्र गलाने सड़ाने के लिए उसमें क्या लगाओगे आप, उसमें यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट तथा बुवेरिया बेसियाना, एक फफूंदी है उसको आप मिला देना है, उसको मिला दोगे तो फसल जो है हरी खाद जो है वो शीघ्र ही सड़ जाएगी। तो ये आपने क्या समझे, हरी खाद देने की विधि को आपने अच्छे से समझ लिया।
इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें और हैं, वो भी हम आगे समझेंगे। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके जो PDF नोट्स हैं वो भी आपके WhatsApp ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगले पॉइंट समझिए, दो तीन पॉइंट्स और हैं, उसे भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखो इस प्रकार से भाई क्या होगा, कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो उर्वरक है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरक कम मात्रा में मिलने से हरी खाद की फसल शीघ्र गल सड़कर ह्यूमस में बदल जाती है। समझ गए आप? इस प्रकार भाई जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो तत्व है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो उर्वरक है, सीधे सीधे उर्वरक बोलो, कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरक है, वो कम मात्रा में मिलाने से हरी खाद की जो फसल है वो शीघ्र सड़ गल कर क्या बदल जाती है, ह्यूमस में बदल जाती है। आगे समझिए मिट्टी के जो भौतिक गुण है, जैसे देखो मृदा जो है, मिट्टी है वो जल धारण क्षमता में सुधार होता है, मिट्टी जल धारण क्षमता में सुधार होता है। नेक्स्ट है मृदा उर्वरता शक्ति, उर्वरता जो शक्ति है उसमें भी सुधार होगा, मृदा कटाव से संरक्षण मिलेगा, मृदा तापमान यानी मृदा टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर तथा मृदा घनत्व यानी सॉइल डेंसिटी में क्या होगा, सुधार होगा। तो इस प्रकार से हरी खाद से रिलेटेड कोई भी अब क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हरी खाद को आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार अपने को सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के अपने माइंड में सेट करना है, फिर कोई भी आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी। कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख पाओगे, आपको रटना नहीं है किसी भी टॉपिक को, आपको अपने लैंग्वेज में ही एग्जाम में लिखना होगा। तो बेटे ये जो टॉपिक से हमारा कंप्लीट हुआ, तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई, टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करिए, कमेंट करके लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को का जो है समाधान किया जाएगा। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।